So firstly, sir, welcome to IWM Buzz. Big, big congratulations for this new series. क्या कहना चाहेंगे ये सीरीज के बारे में? सबसे पहले थैंक यू फॉर हैविंग मी श्वेता, थैंक यू IWM Buzz. एंड ट्रेलर तो देख ही लिया आप लोगों ने, इट्स एकदम किक ऐस रॉकिंग ट्रेलर है. तो आई थिंक हिंदी वेब सीरीज में इस लेवल पर एक एक्सट्रैक्शन सीरीज इससे पहले अटेम्प्ट नहीं हुई है. एंड नीरज पांडे लेकर के आ रहे हैं सोने पे सुहागा. इवन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. सर, जैसे कि हमने ट्रेलर देखा, उसमें कई सारे सस्पेंस जुड़े हुए हैं. पीपल आर कंपेयरिंग कि ये कोई टेररिस्ट शो की तरह होगा या कुछ वैसे लिंक अप है. क्या कहना चाहेंगे? वन वर्ड में जो हमने कहा एक्सट्रैक्शन सीरीज, सो बाकी सारी चीजें जो है वो सर्कमस्टेंशियल है. बेसिक मुद्दा है कि एक कैरेक्टर लापता है, गुमशुदा है, कोई नहीं ढूंढ पा रहा है, और हमारा जो हीरो है अविनाश प्लेड बाय मोहित रैना, वो किस तरह से पता करता है क्या हुआ और कैसे लेकर के वापस आ पाएगा या नहीं, और कितने देशों में घूमना पड़ेगा, कितना एक्शन होगा. तो कहानी उस बारे में है, सोशल कमेंट्री नहीं है, एक एक्शन से भरपूर एडवेंचर है. दैट्स अबाउट इट. सर, जब आपको ये किरदार के बारे में पता चला, ये रोल के बारे में पता चला, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? बिकॉज हमने आपको कई सारे ऐसे शोज करते हुए देखा है जहाँ पे थ्रिलिंग होता है, कई सारे ड्रामा होते, ये इन सब का मिक्सचर है और काफी अलग थी. यस, मेरे लिए देखिए सबसे पहली बात तो ये थी कि नीरज पांडे के साथ वापस टीम अप करना. उनके साथ बेबी की थी मैंने, फिर एक लंबा ब्रेक आ गया था और बेबी का एक्सपीरियंस बहुत कमाल रहा था, लोगों ने बहुत एंजॉय किया था, बहुत अप्रिशिएट किया था. तो वापस नीरज के साथ जुड़ना वो अपने आप में एक सुखद अनुभव था. एंड देन ऑफकोर्स नीरज हैज बीन ग्रोइंग डे बाय डे, यू नो, विद ईच प्रोजेक्ट. तो ये लास्ट उनका इस तरह का अगर देखे तो स्पेशल ऑप्स था नीरज पांडे का, तो स्पेशल ऑप्स का लेवल और बड़ा कर दीजिए, यू नो, उसको और इंटरनेशनल बना दीजिए, तो फ्रीलांसर बन जाता है. तो आई हैड टू बी पार्ट ऑफ दिस एंड आई विश वो सारे एक्शन मैं भी कर रहा होता मोहित के साथ, बट अनफॉर्चुनेटली हर कैरेक्टर को अपना किरदार ही प्ले करना पड़ता है. बट या आई एम अनहैप्पी विद व्हाटएवर वाज सर्वड ऑन माय प्लेटर. जब भी ऐसी स्टोरीज आती है, फैंस काफी ही कनेक्ट करते हैं, फैंस को काफी ही पसंद आते हैं ये स्टोरीज जो होते हैं, थ्रिलिंग ड्रामा, और स्पेशली जब ऐसे अटैक्स वाले स्टोरीज होते हैं, ऑडियंस को काफी ही पसंद आता है. ओटीटी के आने के बाद ऐसे शो हमें ज्यादा देख रहे हैं. क्या कहना चाहेंगे एज एन एक्टर, जब ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, कितना अपने आप को एक्सप्लोर करने को मिलता है? ओटीटी सारे क्रिएटिव लोगों के लिए एकदम वरदान की तरह साबित हुआ, चाहे राइटर्स हो, प्रोड्यूसर्स हो, डायरेक्टर्स हो, एक्टर्स हो, सबके लिए. तो उसको पूरी तरह एक्सप्लोर कर रहे हैं हम लोग, और एज एन एक्टर तो मैं अपने आप में काफी ग्रोथ मैं महसूस कर पा रहा हूँ. बहुत चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं, बहुत अलग अलग तरह के कैरेक्टर पिछले 3-4 सालों में किए हैं, एंड उससे डर भी लगता है, बिकॉज लगता है अरे यार एज एन एक्टर मैं कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा. तो मजेदार फेज है, बहुत मजेदार फेज है, एंड आई एम थैंकफुल फॉर दिस मीडियम. यस, और सर आपके लिए स्क्रीन चार्मिंग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है या कैरेक्टर इम्पोर्टेंस? जब भी स्क्रिप्ट आता है तो क्या आप सबसे ज्यादा पहले प्रीफर करते हैं, पहले कैरेक्टर इम्पोर्टेंस और स्क्रीन टाइम? नहीं, सबसे पहले कहानी. अगर कहानी मेरे लिए एक्साइटिंग, क्योंकि आप जी. कोई भी, चाहे आपको कोई इंसान सामने बैठ करके किस्सा सुना रहा है या आप कोई किताब पढ़ रहे हैं तो, या कोई नरेशन दे रहा है, तो अगर मेरे मन में ये उत्सुकता बनी रहे कि अच्छा आगे क्या होगा, फिर क्या हुआ कहानी में, फिर क्या हुआ, अच्छा ओ ऐसा, वो एक्साइटमेंट अगर बनता है तो मतलब मेरे लिए कहानी वर्क कर रही है. वो किसी और के लिए हो सकता है वर्क ना करे, मेरे लिए वर्क कर रही है. उसके बाद फिर होता है मेरा कैरेक्टर कितना पिवोटल है, स्क्रीन टाइम नहीं बट प्लॉट से जुड़ा हुआ है या नहीं, कि अगर ये कैरेक्टर हटा दे कहानी को कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है. फिर अगर लेंथ भी हो तो फिर सोने पर सुहागा है, बट वो हर बार मैसर नहीं होती है वो बात, बट अगर किरदार पिवोटल है देन इट वर्क्स फॉर मी. तो यहाँ पर ऐसा है, किरदार बिल्कुल पिवोटल है, लेंथ उतनी ज्यादा नहीं है, उसकी अपनी वजूहत है, बट कहानी तो मजेदार है और कैरेक्टर आपको मजेदार लगेगा. यू विल एंजॉय माय स्क्रीन टाइम. सर, यू हैव पोस्टेड द शो सावधान इंडिया क्राइम पेट्रोल. जब ऐसे शोज आते हैं आपके पास, तो तब उस चीज को करने के लिए कितना इजी हो जाता है, या एनी लिंक अप यू फाइंड विद ओटीटी शोज एंड दिस शोज? एक्टिंग और एंकरिंग दोनों बिल्कुल अलग अलग विधाएं हैं. आप बहुत अच्छे एक्टर हो सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि आप अच्छे एंकर भी साबित हो. तो मुझे भी अच्छा एंकर बनने के लिए अपने शो में बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, और वो जद्दोजहद अलग है. सो आई रिस्पेक्ट ऑल द गुड एंकर्स ऑफ दिस वर्ल्ड, आई रियली रिस्पेक्ट देम, बिकॉज बहुत टफ है बतौर खुद स्क्रीन पर रहना,
कैरेक्टर बनना, एज एन एक्टर मेरे लिए कैरेक्टर बनना ज्यादा आसान है, बट टू बी माई सेल्फ एंड कीप पीपल एंगेज्ड वो बड़ा मुश्किल काम है। तो उसके लिए काफी आपको नॉलेज भी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए, तो वो अलग है। और एक्टिंग तो बिल्कुल अलग गेम है, दोनों दोनों का सुख अलग है। कभी ऐसा आपके साथ हुआ है या कोई स्टोरी आपने क्राइम पेट्रोल या सावधान इंडिया में देखा हो और आपने सोचा हो कि ये जो स्टोरी है अगर ओटीटी में लाया जाए एक एज अ वेब सीरीज और अ फिल्म इट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी? यू हैव अ फेल्ट एनी स्टोरी दैट यू वांट टू डू दैट? बहुत सारी, या बहुत सारी कहानियां हैं, बट हाँ आज हम फ्रीलांसर की बात कर रहे हैं तो मैं उस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करूंगा भाई, क्योंकि है ना। बट अभी भी कई सारी वेब सीरीज हैं जिनकी कहानियां पहले क्राइम शोज में दिखाई जा चुकी हैं, मेरे सावधान इंडिया में भी दिखाई जा चुकी हैं। वो चाहे एक साइनाइड देने वाला सीरियल किलर हो, उसके ऊपर बन गई एक वेब सीरीज, तो या क्राइम शो से तो कहानियां निकलती हैं। सर जैसे कि हमने फ्रीलांसर का ट्रेलर देखा था वैसा लग रहा है कि दिस सीरीज विल बी नॉट एंड एट अ सीजन वन, सो देयर विल बी अ सीजन पार्ट टू और थ्री समथिंग विल बी देयर लाइक दिस? मैं कुछ नहीं कहूंगा। देखिए ये देखते हैं कि जिस मोड़ पर ये कहानी खत्म हो रही है, तो उस मोड़ के बाद दर्शक कितनी उत्सुकता से आगे और कहानी देखना चाहेंगे तो उस पर डिपेंड करता है। बट फिलहाल इसे फ्रीलांसर का सीजन कहें, 1 2 या 3 मुझे भी नहीं पता है। जी सर जैसे कि ट्रेलर का जो सीन था जहाँ सब पुलिस आपको गोली चला रही है वो वाला सीन आपके लिए कितना स्पेशल था या कितना चैलेंजिंग था एज एन एक्टर टू डू दैट? एक्शन तो अपने आप में चैलेंजिंग होता है, वो ठीक है, बट मेरे लिए इंटरेस्टिंग इसलिए था कि एक बड़ा नॉस्टैल्जिक मोमेंट था, क्योंकि फाइट डायरेक्टर उसमें हमारे हैं अब्बास अली मुगल, अब्बास भाई, तो जिनके साथ मैंने सबसे पहले काम किया था जोश फिल्म में, और तब उभरते हुए स्टडी कैम ऑपरेटर थे नितिन राव, नितिन कमलाकर राव। तो उसके बाद तो नितिन ने बहुत काम किया, आज वो मतलब कैमरा टेक्निक्स में बहुत आगे है, बट इस सीन के लिए नितिन ने स्टडी कैम ऑपरेट, तो नितिन और अब्बास भाई के साथ इतने सालों बाद हम तीनों वापस एक सेट पर थे, वो बहुत मजेदार अनुभव था, वो बहुत यादगार दिन था। सर आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपको नहीं लगता है कि ये जो सीरीज है वो मूवी की तौर पे एज अ थिएटर पे भी रिलीज हो सकती थी, एज अ मूवी भी आ सकती थी? डोंट यू फील दैट बिकॉज़ द ट्रेलर इज गिविंग ऑल दैट वाइब ऑफ अ मूवी? हाँ देखिए सीरीज जो भी शूट होती है वो उसी आज तो उसी लेवल पर शूट होती है जिस लेवल पर फिल्में शूट, बट अगेन फिर फिल्मों की अपनी डिमांड्स है, ऑडियंस को थिएटर तक खींचने के लिए आपको बड़े बड़े सुपरस्टार चाहिए आज की डेट में, तो वहां पर फिर कई बार कहानी मार खा जाती है और 50 चीजें, तो ओटीटी आपको सहूलियत देता है कि आप सिर्फ अच्छे एक्टर्स के दम पर अच्छी कहानी बड़े स्केल पर भी कह सकते हैं। सो नहीं, ये फिल्म ये सीरीज तो सीरीज ही है और ऐसे ही होनी चाहिए थी और ऐसे ही बहुत अच्छी बनी, इसमें आपको फिल्म से ज्यादा मजा आएगा एक्चुअली। डेफिनेटली डेफिनेटली, थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस सीरीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, बाय।